नमस्कार। कई लोग आप मुझसे हमेशा कहते थे, सर आपके वीडियोस हरियाणा के हैं, हिमाचल के हैं, पंजाब के हैं, यूपी के हैं, उत्तराखंड के हैं, राजस्थान के हैं, लेकिन बाकी जगह क्यों नहीं है? क्या आप काउंसलिंग नहीं करते या आपको नॉलेज नहीं है? तो मैं कहता था ऐसा कुछ नहीं है, सच्चाई की बात है। मैंने कुछ वीडियोज़ पहले आपको बताया था कि मैं स्पेशली वीडियो बनाने नहीं जाता हूँ, और जहाँ हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं वो तो जब मैं एक फैमिली ट्रिप पर होता हूँ और जहाँ मौका लगता है वहाँ मैं वीडियो बना लेता हूँ। और वेरी फ्रेंकली, चूँकि काउंसलिंग MCC की लेट हो गई है, तो मैंने 2 दिन का समय निकाला और आज 19 जुलाई, और मैं आ गया उज्जैन महाकाल के दर्शन करने लिए, क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और कल ही मैं दिल्ली वापस चला जाऊँगा। लेकिन वो करने से पहले मुझे बहुत तारीफ़ी थी और मुझे पता भी था, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ उज्जैन का फेमस RD गाल्डी मेडिकल कॉलेज। MBBS PG सब कुछ है। मतलब अगर मैं 2 लाइन में बोलूँ तो जिस तरह मैं हमेशा आपको बताता था MGM या और शानदार कॉलेज, उसी लेवल का ये एक शानदार अच्छा कॉलेज है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बस घूमते हुए आया हूँ। और कॉलेज की साइज़ को देख के मेरे को लग रहा है कि ऐसी कोई फैसिलिटी, ऐसी कोई कमी नहीं है जो उस कॉलेज में हो। हम अंदर करते करते आए, सच बताओ मैं ऑटो लेके आया था मेन शहर से, और अभी फैमिली बच्चे तैयार हो रहे थे, तो मैंने कहा मैं जल्दी से, मैंने किलोमीटर देखा, 7 किलोमीटर था स्टेशन से, तकरीबन 2 किलोमीटर तो मेन शहर था। फिर मैं थोड़ा सा शहर के बाहर आ गया, बट उसी रास्ते में किया कि सर्विस स्टेशन, बाकी सब कुछ था। आपको झलक दिखाई दे रही है, ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज की झलक है, ठीक है। और आप आगे आएंगे, ये रोड और आगे जा रही है, बारिश हो रही है, इससे भी आप देख सकते हैं। हमारे राइट में अस्पताल है बहुत बड़ा, इसके आगे OPD है, एमरजेंसी है, जैसे एक प्रॉपर अस्पताल होते हैं। और आप हम कह सकते हैं कि अगर MGM और शायद हिमालयन के मुकाबले का नहीं तो उससे ज़रा सी नीचे ही है। मतलब डेफिनेटली हम इसको इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में गिन सकते हैं। और बस समस्या ये है कि मध्य प्रदेश क्लोज स्टेट है, हम सभी जानते हैं, राउंड 2 तक, तो सारे कॉलेज की सीटें मध्य प्रदेश के बच्चे खा जाते हैं, यही शब्द है। बारिश तेज़ हो रही है, आ जाइए थोड़ा और अंदर की तरफ आते हैं। और ये मेरे साथ ऑटो वाले भैया भी है जो उज्जैन के हैं, और इन्होंने बोला कि ये भी वीडियो में आने को, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो सब आप ही अपने मुँह से बताओ किस तरह कॉलेज है। एक नंबर कॉलेज है उज्जैन शहर का, ये मेडिकल कॉलेज। अच्छा, और अस्पताल भी बहुत फेमस है। अस्पताल भी बहुत फेमस, आप बता रहे सारे पेशेंट आते हैं? जी हाँ, सारे पेशेंट आते हैं उज्जैन के और उज्जैन के आसपास के भी। और उसके अलावा है ना, इससे कॉलेज से 2 अस्पताल भी अटैच हैंगे। अच्छा, चैरिटेबल है और एक अवंतिका हॉस्पिटल। अच्छा जी, वो सब भी आते हैं। जी हाँ, इसमें अटैच हैंगे। अपने बारिश और तेज हो गई है सर, आओ आप अंदर आओ। पहले सर आप अंदर घुसो, आप ऑटो चलाओ, आप अंदर जाओ, आप घुसो अंदर, या मैं घुसता हूँ, ठीक है? हाँ, ऐसे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ना गीले हो जाएंगे। हाँ, वीडियो चलने दो सर, जब मुझे पकड़ा दो, छाता बंद कर लो। तो गाइस, मैं आपको ना कॉलेज दिखाता हूँ ऑटो में बैठ के। नहीं ये भैया कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि भैया पहले कोने तक ले चलो और फिर धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? और बल्कि आप ही बताते रहना, हमसे अच्छा बता रहे हो। तो जैसा मैंने कहा, ये भैया हमें लाए थे, और आप देख सकते हो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बिल्कुल कॉलेज का चक्कर भैया कटवा रहे हैं। आगे ले जाओ भैया, कोने तक ले जाओ। आप गाड़ियाँ देखो, ये मेडिकल कॉलेज है लेफ्ट में, इसके आगे हॉस्टल्स हैं। सर फोन रखो अंदर ही, वरना बारिश ना बढ़ जाए। हाँ, और अंदर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये आप देख रहे हो, ये कॉलेज का मेन एंट्री गेट है। सो जब तक ये वीडियो चल रहा है, आप ये समझ लीजिए कि MP में ना NRI सीटें होती हैं। तो आप में से जो भी बच्चा जो NRI स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट ला सकता है, बनवा सकता है, वो मध्य प्रदेश के शानदार कॉलेजों में एडमिशन ले सकता है, जिसमें हम अरबिंदो इंदौर हम सब जानते ही हैं। और अरबिंदो इंदौर के बाद नंबर 2 जो पूरे मध्य प्रदेश में है, वो मुझे मध्य प्रदेश से फीडबैक आई थी कि RD गाल्डी है। भोपाल का भी LNCT काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इंदौर का इंडेक्स काफ़ी अच्छा कॉलेज है, अमलत्यास देवास का बहुत अच्छा कॉलेज है। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की गिनती करें, सो डेफिनेटली अरबिंदो इंदौर के बाद प्राइवेट कॉलेज की बात करूं, तो नंबर 2 पे RD गाल्डी आता है। मतलब 20 साल पुराना कॉलेज है, जो हमेशा कहते हैं 2020 का चला हुआ, और अस्पताल तो उससे भी पुराना है, और इनका अस्पताल मेन शहर में भी है। ये सर क्या है भैया, ये बड़ा बड़ा सा बिल्डिंग बन रही है? अच्छा, ये और बन रहा है, बस इसको रखना अंदर ही, फ़ोन के एक बूंद भी ना पड़ जाए। तो आप देख सकते हैं ये और अभी विकसित हो रहा है, और मैंने कहा ना कि अभी भी ये बहुत बड़ा ऑलरेडी है, और ये हॉस्टल्स की हैं। एक थोड़ा सा आर्किटेक्चर पे भी लोग वो दे रखे हैं कि बोरिंग आर्किटेक्चर ना बना के एक इंटरेस्टिंग सा, इम्प्रेसिव सा आर्किटेक्चर बना रखा है। और मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब और जैसा भैया ने मुझे बताया कि अभी तो हम OPD के लिए लेट हो गए, ये स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं, पर अभी हम बाहर निकलेंगे तो आप OPD ब्लॉक वगैरह देखेंगे। और प्रॉपर क्या कहते हैं कि सिर्फ आसपास के गांव नहीं, भैया का कहना था कि 60 किलोमीटर तक से लोग आते हैं यहां पर इलाज कराने। और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये वाला, सुपर स्पेशलिटी जिसको हम बोलते हैं। और ये अंदर आके देखिए, ये अभी तो हॉस्टल चल रहे हैं, लड़का लड़की हॉस्टल्स। हाँ,
आप चलो वापस ले लो जी। ये एक तरह से सोचिए कॉलेज जाके और भी आगे चल रहा है, देखिए। तो आप लुक एट द साइज ऑफ द कॉलेज, और जहाँ से हमने वीडियो शुरू कराया ना, आप ये सोचिए कि वो तो हम आधा पहले अंदर आ चुके थे, तो अभी जब वापस जाएंगे तो आपको काफ़ी पता मतलब नज़र आएगा जो पूरा कॉलेज का साइज़ है। तो ये अब एक तरह से कोने में हम आ रहे हैं, अभी भैया हमें आगे लेके जा रहे हैं कि और बड़े बड़े हॉस्टल्स हैं। और आप देखिए हॉस्टल्स का जो लुक है, ग्रीनरी आप देखिए, मतलब इट्स अमेजिंग। मैं अगर दो लाइन में बोलूँ तो कोई कमी नहीं है। और बस वही बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मध्य प्रदेश क्योंकि बिल्कुल ही क्लोज स्टेट है, और हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में SC ST की फ़ीस सरकार देती है, जनरल कैटेगरी के लिए भी एक मेधावी छात्र योजना चलती है, तो इनके जो सारे प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ भी 400 से के ऊपर ही जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसी बच्चे को ये भी एक और क्या है, ये भी हॉस्टल है, चलो जब ले लो उल्टा। तो यहाँ तक हम आ गए, और जैसे हमने देखा था कि कॉलेज था, हॉस्टल था, और अब आप देखिएगा जब हम बाहर निकलेंगे कितना लंबा हम चलेंगे कॉलेज के मेन गेट तक पहुँचने के, और कोशिश करके आपको वो शॉट्स भी देंगे जो कॉलेज के होंगे। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, मध्य प्रदेश में चूँकि मेधावी छात्र योजना चलती है जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए तो सब कुछ फ्री है ही, तो सारी जो फीस है ना वो सरकार भरती है। तो जब किसी बच्चे की रैंक आती है तो उसको छोड़ना नहीं पड़ता, जो कि बाकी स्टेट्स में करना पड़ता है। इस वजह से मध्य प्रदेश के कॉलेज में बाहर वाले को तो मिलता ही नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के बच्चे को भी दिक्कत है कि अगर आपके 400 नंबर भी हैं तो भी आपको मध्य प्रदेश में सीट मिलेगी नहीं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, क्योंकि भाई किसी को छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं आपको एक बार समझा चुका कि प्राइवेट सीट तो तभी मिलती है ना जब कुछ बच्चे छोड़ देते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। बट मध्य प्रदेश अगर आप निवासी हो तो अफोर्डेबिलिटी कोई इशू है नहीं, वैसे भी फीस बड़ी रीज़नेबल है, 10-11 लाख रुपये साल। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कोई बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हो, सरकारी नौकरी वाला हो, जिसका बच्चा मेधावी छात्र योजना के अंडर नहीं आएगा, उसके अलावा सभी बच्चों की पढ़ाई फ्री होती है। 80-85% बच्चों की पढ़ाई फ्री है। और आप लोग ठीक है, जगह वैसे बारिशें भी हो रही हैं तो ग्रीनरी और इम्प्रूव हो जाती है। पर तो जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर हम इंडियन कॉलेजेस को 4 टायर्स में बांट लें, और टायर 1 तो बिल्कुल टॉप हो गया MGM वगैरह टाइप का, तो इसको हम 2 में गिन सकते हैं। तो 4 को तो बिल्कुल घटिया मानते हैं, और हम बार बार उस सेम का नाम लेना चाहता, बट इट डेफिनेटली बिलोंग्स टू टायर 2 कॉलेज। तो इसको हम UP से कंपेयर करें तो UP का SRM बरेली से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, हम उसे राजस्थान में गीतांजलि से इसको कंपेयर कर सकते हैं, और मैं नॉर्थ की बात करूँ तो हाँ तो डेफिनेटली हिमालयन जॉली ग्रांट या मुलाना इसके ऊपर ही रहेंगे। बट इसके अलावा शानदार कॉलेज है, और बस आप लोगों के लिए यही है कि NRI सीटें यहाँ पर होती हैं, और वैसे मैं हमेशा डिस्करेज करता हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश में फैमिली ट्री भी नहीं देना पड़ता। तो सिर्फ अगर आपके पास एक NRI है जो स्पॉन्सर करने को तैयार है, चाहे वो सगा रिश्तेदार चाचा ताऊ बुआ ना हो, तो भी यहाँ पर एडमिशन्स हो जाते हैं। फिर से देखिए अब हम वापस आए, तो ये था मेन गेट। ठीक है भैया चलते जाओ, क्योंकि वीडियो भी फिर बहुत लंबा हो जाता है तो लोग बोर हो जाते हैं। और भैया नहीं, हम भैया को नहीं पता था हम क्यों आ रहे हैं, सच बताऊँ मैं तो भैया को तो बस मैं लेकर चला आया कि RD ले चलो, इन्हें लगा कि बीमार होऊंगा। पर जब इन्होंने हमारी बातें सुनी ऑटो में, मेरे साथ एक मेरे मित्र भी आए हुए हैं, उनकी फैमिली भी साथ आई हुई है महाकाल के दर्शन करने। अच्छा ये कॉलोनी भी नहीं की पार्ट है, इसके पास भी कॉलोनी नहीं बनी। अच्छा जी, अरे स्कूल की बस अंदर आ गई। हाँ ये स्कूल की बस आ गई। चलो 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 तो सामने से। और ऑफ कोर्स PG के सारे स्पेशलाइजेशन है यहाँ पर, तो वो सब बातें तो गिवन है, तो मैं उसकी तरफ दोबारा जा भी नहीं रहा कि PG एक्सेट्रा एवरीथिंग इज हेयर। लुक एट द साइज ऑफ द कैंपस, अब आपको पता चलेगा ये मेन हो गया, ये मेन अस्पताल हो गया। ठीक है, बाहर से आपको उसमें लिक्विड फील पता चल रहा है। मैंने कहा बहुत तेज़ बारिश हो रही है, नहीं तो हम उतर के आपको अंदर ले जाते और दिखाते। पर आप लुक एट द साइज, लुक एट द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है चलते जाइए भैया, और आपको लेफ्ट राइट में आप गाड़ियाँ देखेंगे, आपको एक आइडिया लग जाता है कि सामने आपको एक व्यू आएगा कि कितना दूर अभी है। तो भाई जो हम कहते हैं कैंपस वाला कॉलेज जिसे कहते हैं वो ये है शारदा। और ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं है सच, मतलब कि यहाँ पर कोई दूसरे कोर्स नहीं होते हैं। तो इमेजिन कीजिए जितनी आपको भीड़ नज़र, आपको लेफ्ट में एम्बुलेंसें नज़र आ रही हैं, और मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना कि नंबर ऑफ़ एम्बुलेंसेज हमें बताती हैं कि पोजीशन क्या है कॉलेज की या अस्पताल की। और राइट में देखिए कि एक कैंटीन नुमा चीज़ आ रही है मरीज़ों की, शायद खाने पीने के लिए जो उनसे मिलने आया है। ये चालू कैंटीन है, बहुत तेज़ बारिश है नहीं तो हम उतर जाते नीचे।
क्या करता पार्किंग का साइज देखिए आप, लुक एट द टू व्हीलर पार्किंग्स। और फिर से मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जितनी कम से कम 150 से 200 बाइकें खड़ी है इस समय पार्किंग में। राइट में देखिए, ये लेफ्ट में आ गया ओपीडी ब्लॉक और अभी भी भीड़ है, जबकि 1:30 बज चुका है। देखिए लोगों को, देखिए नज़र आराम रोक लोग सर, देखिए अंदर नज़र मारिए। और इस समय एग्जैक्ट जो टाइम है वो 2:00 भी नहीं। चलिए सर चलिए, तो ये है। और सामने देखिए अब मेन गेट आने वाला है, और मेन गेट से भी अंदर देखिए कितना है। और जैसे मैंने कहा ना कि इतना बड़ा कॉलेज कैंपस है कि किसी को हमसे बात करने का समय नहीं है, किसी को परवाह नहीं है हमारी लड़ी पुटी, जिसमें कोई पूछने नहीं आया कि आप वीडियो क्यों बना रहे हो। ये राइट हैंड साइड पे मुझे एक और फूड कैफ़े लग रहा है, बहुत शानदार। देखिए पूरे फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ है, 70 रुपये की भोजन की थाली मिल रही है। और मैं तो लगू, और अब हम मेन गेट की तरफ चल पड़े हैं। अगेन लुक एट दिस साइज़, अपना इनका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है अंदर, और एक शानदार कॉलेज अस्पताल जिसे हम कहते हैं। ये देखिए जो मेन गेट का लुक है, भैया से मैं कहूँगा कि एक बार छोटा सा यूटर ले लेंगे बाहर पे, तो हम आपको फ्रंट व्यू दिखाएंगे एंट्री का कि किस तरह से हम बाहर आए। और ये सामने चलती रोड है जो मैं आपको बता रहा था, ये रोड सीधी सीधी आई थी उज्जैन शहर से। और अब हमारे भैया एक बार यूटर घुमा के बस घुमा लो, ठीक है घुमा दो। ये देखिए हम आए थे जब, तो ऐसे हमने एंट्री मारी थी, और ये है वो कॉलेज। देखिए बड़ा एक सुंदर सा एक लुक दे रखा है, बस ले लीजिए वापस, ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। और हम वापस चलेंगे अब शहर की तरफ, क्योंकि जो मेन मकसद है वो भी पूरा करके हमें रात की ट्रेन से वापस दिल्ली आना है। तो ये फिर भी सर रोड, अब ये रोड आ गई जो मैंने बोला मेन रोड है, रोड उतनी शानदार नहीं है, अभी बन रही है ऐसा महसूस होता है। और ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये शायद भाई लोगों को है शहर ले जाने के लिए, जो पर्सनल ऑटो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए, जिसे हम ग्रामीण सेवा कहते हैं। सो आल्डी गाल्डी थम्स अप, ग्रेट कॉलेज, ग्रेट कैंपस, एवरीथिंग ग्रेट। लुक एट दी भाई नंबर ऑफ केमी शॉप्स आउटसाइड, सब कुछ बहुत अच्छा है। इसके बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम, अच्छा जी ये भी नहीं क्या है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है ठीक है ठीक है, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार। और हमसे संपर्क करना चाहें फ्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज के लिए आप जानते ही हैं, 9643-6232, कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है मेरे साथ, आपको मालूम ही है। आप 2500 रुपये फ़ोन कॉल के, 5000 रुपये फेस टू फेस मीटिंग के, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा प्रीमियम पैकेज सूट करेगा। बाय बाय, टेक केयर।